चीन व भारतीय सैनिकों के बीच हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों में हिमाचल के हमीरपुर जिला के जवान अंकुश ठाकुर भी शामिल थे। शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शहीद जवान के परिजनों से मिलने पहुंचे और उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की बात कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को शहीद अंकुश ठाकुर के पैतृक गांव जिला हमीरपुर के कड़हौता पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर उनके साथ पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, सांसद रामस्वरूप शर्मा व विधायक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का मुआवजा शहीद के परिवार को देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने गाँव में एक गेट का निर्माण भी शहीद के नाम से करने की बात कही। ग्रामीणों की मांग पर एक रास्ते का निर्माण भी शहीद अंकुश ठाकुर के नाम पर गांव में किया जाएगा और स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कड़हौता में सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नौजवान अंकुश ठाकुर देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। देश और प्रदेश उनकी इस शहादत को हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे अरसे के बाद चीन ने ऐसी हरकत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, उन पर देश को विश्वास है। हमारा अंकुश जो है वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उनकी शहादत को ये प्रदेश, ये देश हमेशा स्मरण करेगा, याद करेगा। उनके परिवार से मिलने के लिए आया था, उनके परिवार को भी मैं सांत्वना देता हूँ। ईश्वर उनको इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद चाइना ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है इस घटना के दौरान, उनके मंसूबे कुछ जाहिर हुए हैं। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, और मैं उनके हर शब्दों पर, मैं ही नहीं पूरा देश विश्वास भी करता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना, लेकिन जहाँ तक इस बेटे ने, अंकुश ने बहुत छोटी आयु में अपनी बहादुरी का सबूत दिया है और उनके परिवार वालों के साथ हम आज मिले हैं। 20 लाख रुपए हमारी सरकार का योगदान उनके लिए एक शहीद के नाते जो है वो दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर उनने एक बात कही है कि एक रास्ते की बात कही है, एक गेट की बात कही है, द्वार की बात कही है। इन दोनों को भी हम मंजूर करेंगे, दोनों के लिए जो भी पैसा लगेगा उसके लिए मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर को, वो उस सारी चीज़ को लेकर के एस्टिमेट बना करके तैयार करे और उसके बाद जितना पैसा लगेगा उतना पैसा उसमें देंगे। इसी के तहत जो है एक और चीज़ यहाँ पर जो हमारी PSC कड़ौता जो है यहाँ पर, तो इसको और ज़्यादा उनने कहा कि इसको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। ये लोगों की सेवा यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से हो सके, उस दृष्टि से क्या किया जा सकता है वो भी एक सुझाव उन्होंने दिया है, एक मांग की है, उस पर भी विचार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।